पैदल चल के जाऊंगी ना तो पता चलेगा हैवी है कि नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो हम लोग ना बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि ना भैया कावर चढ़ाने के लिए गए हुए थे। आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, मतलब उसका शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगी। तो हम लोग ना वही वेट कर रहे हैं, मतलब एक नदी है हमारे गांव की, वहां से ही लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके। जितने भी हमारे गाँव के कावड़ वाले हैं ना, सब लोग आ रहे हैं। तो ये ना हमारे गांव की कावड़ है, लेकिन हमने देखा लेकिन भैया इसमें नहीं दिख रहे थे, वो शायद पीछे होंगे। मामा आ रहे होंगे कावर लेके। मामा आ रहे कावर लेके। कावर में बहुत छरे रुमाल अन्नू के लेके रुमाल है। लिंग अच्छा खिलौने आ जाएंगे मेरे लिए हैं। हाँ खिलौने थोड़ी ना होते हैं कावर में, रुमाल होते हैं, फोटो होती है, गंगा जल होता है। बस यही होता है। अभी मामा आ रहे होंगे तब दिखाऊंगी आपको कावर, तब देखना आप है। मामा आ रहे मंदिर से हैं। चाय कैसे बने तुम बताओ, हम बताएं तुम्हें कैसे बने चाय, कैसे बनेगी नानक बता दो। गैस जलाओ, बाबा पतीला रखो और उसके बाद पानी डालो, नमक डालो और खौलाओ, पी लो। ऐसे बने अच्छा चाय पत्ती नहीं खाए, चाय पत्ती बाद में खा लियो। अन्नू अन्नू ओ अन्नू, और गाजर का हलवा कैसे बनता है नानक बता दो। गाजर का हलवा बताओ कैसे बनता है, गाजर का हलवा कैसे बनता है पता नहीं, बता दो नाना बता रहे। हम बताएं गाजर हलवा। गाजर लाओ, काट लो चक्कू, उबाल लो और बम नमक डाल दो, खा लो। ठीक है नहीं है अभी तुम बताओ, अब तुम बता दे। अच्छा हमें तुम बताओ पता नहीं, अब तुम बता दे तुम पता नहीं। अच्छा दाल बना लेती थी, आइसक्रीम बना लेती जा, बता दे हमें, बता दे बता दे बताओ तुम। अच्छा बनाए कहा लेती बताओ तुम, रोटी बना लेती, रोटी बहुत अच्छी बना लेती। अच्छा एक बार बता दे रोटी बता दे तुम, चलो पराठो बता दे। मम्मी क्या क्या काम कराई, पराठो कचौड़ी। सो गाइज कावरिया ना मतलब मंदिर से ही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग बहुत देर से बाहर वेट कर रहे हैं। तो वो पूजा वगैरह करते हैं ना, जल चढ़ाते हैं जितने भी मंदिर बने हुए हैं। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं गाजर कद्दूकस कर लेती हूँ, तो इतनी हो गई है, इतनी बची हुई है। तो ना क्योंकि हमारे घर पे बन रहा है गाजर का हलवा, मेले पे ना हर साल हमारे घर पे गाजर का हलवा बनता है। मेले को ना बहुत ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ मेला बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि ना हर घर की लड़कियाँ वगैरह आती हैं। और बेशक जैसे कि हो जैसे रक्षाबंधन होता है, भैया दूज होता है, उस पर ना आए, लेकिन मेले पर ना हर घर में हर रिश्तेदार आते हैं। इस बार मैं भी हूँ, बहुत टाइम बाद मुझे इस बार मेला नसीब हो रहा है। तो जल्दी से गाजर कद्दूकस करती, तब तक भैया ये लोग भी आ रहे होंगे। ये लोगों के लिए ना पानी भी रख दिया गैस पे, क्योंकि ना ये लोग बहुत दूर होता है ना, तो पैदल चलते चलते ना इसीलिए। एंजल हटो, ये ना गाजर खाए जा रही है, फिर करती है उल्टी, मत खाओ मत खाओ मत खाओ, नुकसान करेगी। खाना नहीं, नुकसान करती है गाजर, पता है तुम्हें, इतनी देर से खाए जा रही है ये गाजर के। भोले की कावर तो बड़ी बढ़िया, मैंने कही थी रूमाल भी लगाए हैं लेडीज, अच्छी कावर सजाई। अन्या मामा आ गए, अन्या ने हाथ लगा दिया, अन्नू उठाओ, अन्नू जाओ। तो बस भैया कावर लेके आ चुके हैं, अभी ना इसको मंदिर के पास में रख देंगे। और हमारे घर पे कोई भी आता है ना, सबसे पहले एंजल एंजेलिना ओरियो उनका वेलकम करते हैं। तो वही ना ये लोग पूरे अच्छे से सूंघ रहे थे, क्या है कहाँ से चीज़ आई है। तो डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी की थी, हैंकीज वगैरह मतलब लेडीज़ और जेंट्स के हैंकी लगाए थे। बाकी अपना जो मन करता है वो अच्छे से सजाना होता है, तो अच्छी लग रही थी मुझे कावड़ वगैरह। तो ना मेरा भी मन कर रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर ना कावड़ लेके जाऊँ। तो अभी इन लोगों के पैर धुलवाए जाएंगे गर्म पानी में नमक डाल के, क्योंकि पैर में ना स्वेलिंग भी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है अगर गर्म पानी में ये लोग पैर धुलते हैं। तो अभी ना मैं भी उठा के देख रही थी, क्योंकि सोच रहे नेक्स्ट ईयर हम लोग भी लेके जाएँ यार। बड़ा अच्छा फील हो रहा है कावर उठा के, हम लोग सोच रहे हैं अगले साल ना मैं लवली ज्योति हम तीनों जाए कावर लेके, इसीलिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। ज्यादा वैसे हैवी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी दूर पैदल चल के जाऊंगी ना तो पता चलेगा हैवी है कि नहीं है। अन्ना बम बम बोले तो मामा।
तो गाइस अभी मस्त सब्जी एंड चावल खाने के लिए जा रहे हैं। मेरी चाची ना सब्जी इतनी टेस्टी बनाती है, मैं क्या बताऊँ, झूठी तारीफ नहीं कर रही, वाकई में वो ना टमाटर डालती है, खट्टा खट्टा बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस खाना खाते हैं और ना हमें भागवत भी सुनने के लिए जाना है, तो जाएंगे 4 बजे की तरफ। तुम्हें नहीं दी किसी ने खीर? एंजल तुम्हें किसी ने खीर नहीं दी? ये दोनों खीर खा गए एंजल को किसी ने, अभी दूंगी ओरियो खा ले, अब दे रही तुम्हें। तो तीनों की बल्ले बल्ले हो गए रबड़ी वाली खीर खा के। तो बस हलवा बनने के लिए रख दिया, चूल्हे पे बना रहे हैं और बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई है क्योंकि 10 किलो गाजर का हलवा है ना, इसलिए। तो मैंने सोचा चाची की हेल्प करूं क्योंकि 10 केजी गाजर है ना, इसलिए। बंदर नीचे ही नकूद पड़े, बंदर बहुत आ गए हैं, पता नहीं कहां से 3 बंदर आ गए हमारे गांव में, मुझे लोग छत पे है। ये जीने वाला नहीं, वो एंजेलिना है शायद, अरे वो एंजेलिना है, एंजेलिना गई बाघ के बंदर भगाने, एंजल नहीं जाती, एंजेलिना तुरंत जाती है बंदर भगाने के लिए। 3 बंदर आ गए हमारे गांव में, हैं वो देखो बंदर, एंजेलिना गुर्रा रहा, वो बैठे 2 बंदर, एंजेलिना देखो वहीं खड़ी। सो गाइज हलवा जो है वो चाची बना रही है क्योंकि ना 10 किलो गाजर है हमारे यहाँ ना शिवरात्रि पे इतनी क्वांटिटी में बनता है क्योंकि गेस्ट बहुत सारे आते हैं, घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो हाथ थक गए मेरे। अभी चाची हलवा चला रही है और मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ, बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलवाना चाहते हैं, ये कोई और नहीं है, ये है हमारे चुन्ना भैया। भाइयों और बहनों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ करो, खाली मत बैठना, कुछ करो। इनकी ना खास बात यही है वाकई में यार, ये बहुत मस्त है, कोई ना बोर नहीं हो सकता, अब आप लोग ना कंटिन्यू ब्लॉग देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। 10 बार रिपीट कर, मैं बोर कर सकती हूँ ब्लॉग में लेकिन भैया कभी बोर नहीं इसको कर मत देखना, आप जितने ब्लॉग है मेरे को देखना, आप अपना चैनल खोल लो, आपको बड़ा फटाफट। मैं चैनल नहीं खोलना, बंदे खोलने। भैया हमारे पंजाब से आए, सरकारी जॉब करते हैं, कोई लड़की वड़की हो तो बताना, रिश्ता कमेंट कर देना, ठीक है। ओरिजिनल एकदम सुंदर सी सुशील सी कन्या जो हमारे भैया का भी ध्यान रखे और हमारी ताई जी ताऊ जी का भी ध्यान रखे, है ना भैया, ऐसी लड़की चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अन्नु मामा से नमस्ते की आपने? कर लो, आने वाले मामा के पास तो बहुत ज्यादा जा रही है क्योंकि इन्हें पता है ना ये मामा हमारी तरह है एकदम हंसी खेल। भैया का नाम ना चुन्ना निकनेम है, हम लोग इनको प्यार से बोलते हैं, वैसे इनका नाम है सुशांत सिंह चौहान, अच्छा नाम है, अब मजा आएगा बहुत ज्यादा। भैया हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, भैया जल्दी आए जल्दी आए, क्योंकि ना सबसे ज्यादा घर में इन्हीं के साथ मजा आता है, ये बड़ा एंटरटेन करते हैं सबको। सच्ची? अब आप रेस्ट करो, खाना पीना खा लिया, भैया अब रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरी 24 घंटे कितने घंटे 16 घंटे से सफर कर रहे हैं ना, पंजाब से दूर है ना यहाँ से। पार्टी तो जॉब लग गई है, सरकारी नौकरी और पार्टी नहीं दोगे? जो भी मैं करूँ पार्टी भी मैं, और क्या आपकी जॉब लगी है, चला जाता हूँ कोई नदी उदी में। हमें पार्टी चाहिए, हमें कुछ भी नहीं पता, ड्यूटी पकड़ ली हलवा बनाने की। बताओ सबका मालिक। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए, आखिरी दिन तो सुन के आ ही जाते हैं, वैसे तो हम लोग बहुत बोर होते हैं लेकिन लास्ट दिन तो सुनेंगे यार भागवत, आखिरी तो होना ही चाहिए ना। नई नई ड्रेस पहन के जा रही है, इधर देखना बाबू, अरे वाह। कैसे आना हुआ, आप कैसे आए? बोले हम दोनों को ले गए हैं, सायंकालीन का समय है, अपूर जी पहुंचे हैं, अपूर जी पहुंचे, बहुत स्वागत आनंद बाबा ने किया। तो जहाँ पे भागवत होती है ना, तो जो भी कावड़ वाले आते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आके जल चढ़ाते हैं और रात तक ना ऐसे ही ये लोग आते रहेंगे।
और ये ना एक मतलब दादी थी, ये ना कावर चढ़ा के आई थी, तो इन्होंने आके किया डांस। एक और दादी है, इन्होंने उछावर किया उन्हें, तो मतलब एज इनकी बहुत है, उस हिसाब से इन्होंने कावर चलाई तो बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे गांव के ही हैं, शायद मेरे चाचा लगते हैं, तो ये हमेशा डांस करते हैं। कोई भी किसी की शादी हो, कोई जैसे मेला वगैरह लगता है तो भागवत होती है, तो उस पर ये हमेशा डांस करते हैं। उसके बाद ना ये आई थी झांकी कृष्ण राधा की, शायद तीन लोग हैं तो रुक्मणी भी होंगी, तो वही इनकी शादी हो रही है, क्योंकि ना भागवत में जो पार्ट आता है ना उसी से रिलेटेड जो झांकी होती है ना वो आ जाती है। तो दो बच्चे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। भागवत में बहुत टाइम के बाद सुन रही हूँ, बचपन में तो मैं सुनती नहीं थी, क्योंकि ना बहुत बोरिंग सा लगता था। और ये भागवत का बस लास्ट है, ख़त्म ही होने वाली है। ये आए हुए हैं सुदामा, तो अभी ना हम लोग कुछ खा रहे हैं, तो हमने सोचा चाउमीन खा के चलते हैं जाने से पहले घर पे। और ये ना चाउमीन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, मोमोज इतने खास नहीं लगे लेकिन चाउमीन अच्छी बनाते हैं, मज़ा आ गया ना खा के। सो गाइस घर पे आ चुकी हूँ, घर पे आते ही ना इतने सारे कपड़े पे लगा दिया गया है, भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं। वाओ भैया मेरी बड़ी अच्छी एकदम बहन की तरह हेल्प करते हैं, तो जल्दी से कपड़े फोल्ड करते हो। खाना पीना तो खाना नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारा खा लिया ऑलरेडी, तो अब बिल्कुल भी ना हम लोगों को भूख नहीं है। बाबू गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू। चल गया, खांसी नहीं खत्म हो रही है, जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तुरंत मेरी खांसी स्टार्ट हो जाती है। सो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो बज रहे हैं 9, और हमें कल सुबह 3 बजे उठना है मॉर्निंग में, क्योंकि हमें जल चढ़ाने जाना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो इसलिए ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितनी जल्दी जाएंगे ना उतनी आराम से हमारी पूजा हो जाएगी। तो बस ब्लॉग के पैन कर रही हूँ, आई होप कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।